फ्रेंड्स, वेलकम टू अमृताज डेली लाइफ। आज की जो वीडियो है ना, उसमें डेली लाइफ ब्लॉग के साथ साथ मैं कुछ और भी चीज़ें शेयर करूँगी। जैसे हम लोग बहुत कुछ चीज़ हम लोग रेगुलर डे टू डे लाइफ में ट्रैश कर देते हैं, थ्रो कर देते हैं, फिर से यूज़ नहीं करते हैं, तो उन सब के हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे ही कुछ चीज़ें मैं दिखाऊँगी। और आपको, आप सभी को मालूम होगा, तो क्योंकि मैं कलकत्ता से हूँ और कलकत्ता में जो तूफान आने वाला था रमाल, तो इसके लिए हम लोग बहुत सारे प्रिकॉशंस लेके बैठे थे, मगर फॉर्चुनेटली वो जो सी साइड एरिया है ना, वहाँ से वो बांग्लादेश टूवर्ड्स तो चला गया, तो हमारा, हम सब सेफ है, अच्छे हैं। और वैसे ही तो आज के वीडियो में सबसे पहले जो चीज़ आपके साथ शेयर है, ये कार्डबोर्ड बॉक्सेस है। ये कार्डबोर्ड का जो बॉक्स है, ये तो बहुत ही अच्छा है, ये जूते का बॉक्स था, तो इसको मैंने अच्छे से रख दिया, इसमें कुछ नहीं करूँगी। इसमें मैं ऑर्गेनाइज करके ना कुछ चीज़ें जो हमारी ज़रूरत के हैं और रोज़ चाहिए होते हैं, छोटे छोटे चीज़ हम इसको इसमें सारे अरेंज करके कवर्ड में रख सकते हैं, या फिर ऐसे कुछ जगह जो हमें, हम लोग आराम से, आसानी से ढूंढ सके। और क्योंकि जो सामान मैं इसमें रखूंगी वो छोटे होंगे और वो हमारे, हमें रोज़ भी चाहिए होते होंगे, तो उस सब ऐसे चीज़ों को हम इसमें रीऑर्गेनाइज और या फिर अरेंज करके रखते हैं। और ये जो छोटा वाला बॉक्स है ना, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने ऐसे जो जगह है ना, ऊपर वाला हिस्सा मैंने कट करके रखा है, इससे मैं क्या बनाऊंगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। और ये मेरा टिप नंबर 1 है, या फिर आप बोल सकते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बोलने जा रही हूँ उसमें ये नंबर 1 है। तो आगे जानने के लिए वीडियो को वॉच कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। ये जो कार्डबोर्ड के बॉक्सेस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के होते हैं, हम अपने कबर्ड में ना बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ फैलाए रखते हैं, फिर ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। हम ये छोटे एक बॉक्स को चूज़ करके ना ऐसे ही सजा के उसको एक जगह एकोमोडेट करके रख सकते हैं, ये आराम से हमें मिल जाएगा। और यहाँ पे मैंने जो डिस्कार्ड हुआ कपड़े है वो ही सब स्टोर करके रखती हूँ, और कुछ लोगों को दे देती हूँ जो वो पहन सकते हैं, और बाकी जो फटे हुए हैं उनका रीयूज़ करने की कोशिश करती हूँ, या फिर घर में डस्टिंग के लिए भी मैं बना लेती हूँ। नहीं तो जैसे आज मैं ये कार्डबोर्ड को ना कवर करूँगी, ये जो पजामा है मेरा फट चुका था, तो इसका यूज़ और कभी और किसी तरह नहीं पॉसिबल था, उसका जो पैर वाला हिस्सा है उसी को मैंने कट कर लिया है, ऐसे इसको बोर्ड को उसके अंदर डाल के ना इसको अच्छे से मैंने कवर कर लिया है। और ये जो चिपकाने वाला ग्लू है, फैब्रिक में यूज़ होता है, वो मैंने यूज़ किया है, क्योंकि मैं मेरे छोटे मोटे काम के लिए मैं इन सबको भी अलग से स्टोर रखती हूँ, तो मैंने मेरा सिलाई का जो बॉक्स है वहीं से निकाल लिया है, या फिर आप चाहो तो थोड़ा स्टिचिंग से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं आराम से। ये स्टिचिंग वाला ग्लू से देखो, ये अच्छे से लग भी गया है, और वो जो बोर्ड का लुक था ना, कैसा, मतलब काटने के बाद जैसे ऊबड़ खाबड़ हो चुका था, वो सारे अंदर चला गया। अभी एक जो मेरे पास एक छोटा सा लेस का टुकड़ा भी था, आप चाहो तो पुराने वाले कपड़े से भी इसको निकाल के एक बॉक्स में रख सकते हैं, वो भी बाद में बहुत सारे काम में आ जाएंगे। तो मैंने मेरा ये एक छोटा सा टुकड़ा था लेस का, वो उसको ऐसे सिलाई करके वो जो मैंने बॉक्स बनाया है उसके चारों तरफ इसको लगा दूंगी, गम से ही पेस्ट कर लूंगी, तुरंत बन जाएगा, बहुत तुरंत, क्योंकि अगर आप स्टिचिंग कर रहे हो तो उसमें टाइम लगता है, अगर पेस्ट कर रहे हो गम से तो ये जल्दी से जल्दी हो जाएगा। कुछ कपड़े टांगने वाला क्लिप या फिर पिन से आप सेट के रखो, 2-3-4 घंटे में ही ना एकदम हार्ड फिक्स हो जाएगा। तो ऐसे मैंने एक बॉक्स ऐसे बना लिया मेरा चार्जर्स वगैरह रखने के लिए, या फिर आप ऐसे जो छोटे छोटे चीज़ होते हैं, जैसे हमारे जैसे सिलाई का सामान होता है, या ये भी आप रख सकते हो। कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बोलूँगी जो हम लोग ब्रेकफास्ट में खाते हैं, जैसे कि अंडा, तो अंडे का जो शेल है ना उसको फेंकिए मत, उसका मैंने ऐसे ही इसको स्टोर करके रखती हूँ, और उसको अच्छे से साबुन से
आप जो धो के ना उसको रख सकते हैं, और उससे भी जो हम लोग पौधों में बोन मील्स डालते हैं वो हम बना सकते हैं घर में ही। जो नर्सरी में हमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके मिलता है वो हम घर में ही बना के कुछ हद तक घर का जो प्लांट्स है ना पौधों के लिए बहुत ही यूज़फुल एक चीज़ बना सकते हैं ऐसे। तो इसको कुछ नहीं, जैसे अच्छे से आप स्टोर करके रखिए धो के, फिर इसको पाउडर बना के आराम से मिट्टी में मिक्स करके आप बना सकते हैं, वो भी मैं आपको शेयर करूँगी। अपने पौधों के लिए जो बोन मील्स की ज़रूरत होते हैं हमें, वो बाज़ार से आप ख़रीदने जाओ तो काफ़ी महंगा होता है, तो ऐसे आप घर में ना अपने हिसाब से बना के स्टोर करके रख सकते हो और थोड़े थोड़े करके मिट्टी में ऐड करके ना ये रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हो। तो मैंने इसको ओवरनाइट भिगो के रखी थी, जो हमारा कोई भी डिटर्जेंट से आप इसको रख सकते हो तो भिगो के, तो अंदर का जो कोई स्मेल या फिर जितना भी गंदगी है सब निकल के आ जाएगा। फिर इसको प्लेन वाटर में ना धो के और सन ड्राई कर लेना। मैंने उसको नेक्स्ट जो इसमें सिलबट्टे में थोड़ा सा क्रश कर लिया है, उसके बाद इसको मैंने मिक्सर जो है ना हमारा किचन का उसी से इसको एकदम पाउडर बना लिया है। तो फिर मैंने इसको स्टोर करना है और ऐसे मैं बोन मील्स बनाती हूँ। एग शेल्स का भी बहुत अच्छा इस्तेमाल हो जाता है ऐसे ही। तो जो हम किचन में सब्ज़ी वगैरह वो सब का छिलका है वो भी हम लोग किचन गार्डन में यूज़ कर सकते हैं या फिर अपना गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। तो ये था मेरा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टिप, तो आपके साथ मैंने शेयर किया है। देखिए अच्छा पाउडर बन चुका है मिक्सी में, एकदम स्मूथ पाउडर। ये पानी मिट्टी से जब मिक्स होगा उसके बाद ये पौधों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो आप ऐसे बोन मिल्स भी बना सकते हैं। चीज़ आपसे मैं शेयर करूँगी जो हमेशा मैं करती हूँ, जो हमारे किचन में जितने सारे ग्लास बॉटल्स आते हैं, कभी कुछ ना कुछ हम खरीदते रहते हैं उन वो सब, जैसे जैम्स के बॉटल, फिर हमारे जो केचप्स की बॉटल या फिर कुछ सामान कुकीज़ या फिर जो भी कुछ हो, ग्लास का जो कंटेनर है मैं उनको यूज़ करना बहुत पसंद करती हूँ। और मुझे ना एक ये जो डिफरेंट शेप्स के जो ग्लास कंटेनर्स मिलते हैं, मुझे उनको उनमें जो मसाला ये सब कुछ जो एक्स्ट्रा हम स्टोर करके रखते हैं उनमें रखने को बहुत अच्छा लगता है। उसको यूज़ करने के पहले मैं उसको जो कंटेनर है उस अच्छे से साबुन पानी में भिगो के रखती हूँ, और उसके बाद जस्ट कुछ नहीं, आप जो हम लोग जैसे स्टील से या फिर कोई स्कॉच ब्राइट से आप अच्छे से उसको निकाल सकते हैं जो ऊपर स्टिकर्स वगैरह लगे रहते हैं, या फिर आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो मैं करती हूँ, जैसे कि आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए ये जो छोटा सा कंटेनर है देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसका ऊपर वाला जो स्टिकर है ना, मैं उसको हटा दिया मैंने। अभी बाजार में जैसे महंगे वाले सेल से मिलते हैं ग्लास कंटेनर्स के, उसी टाइप के दिखने को लग रहा है ना। तो ये ऐसे हम सेम हम लोग जैसे जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं बार बार, जैसे ये प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ, मैं दिखाऊंगी कौन सा वाला ये है। तो ये दो तीन डिब्बे अगर रह जाए हमारे पास, ऐसे ही साफ सफाई करके हम रख सकते हैं उसमें, और वो एक सेट जैसा ही दिखेगा। तो ये है चिंग्स का एक सॉस का कंटेनर है, तो मैं ये यूज़ करती हूँ। तो ये जो खाली हो जाता है ना, इसको ऐसे ही मैंने साफ़ किया और अच्छे से मैंने इसमें जो खाने का चीज़ है स्टोर किया, और अच्छा भी रहता है और देखने में भी ये बहुत सुंदर है। तो किचन में ये सब चीज़ हम लोग रख सकते हैं ये थ्रो नहीं करके, जैसे कि ये भी एक ऐसे ही कंटेनर है, देखने में लग रहा है कि हम लोग इसमें खरीद के लेके आए सेट्स में, नहीं ये ऐसा नहीं है। जैसे मैं दिखाती हूँ और एक कंटेनर है, ये भी आप पहचानते होंगे, ये भी एक सॉस का कंटेनर है, इसको भी मैंने ऐसे ही साफ सुथरा किया और इसका यूज़ भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ऐसे बहुत सारे कंटेनर्स हैं, जैसे ये एक दबाई वाला कंटेनर है, इसको भी ये जो हटाना है तो इसको भी हटा के ना देखिए इसका ये कलर भी है अच्छा लगेगा, इसको भी मैं कैसे यूज़ करना है वो भी आपको दिखाऊंगी। तो ऐसे बहुत सारे कंटेनर्स हैं मेरे पास, जैसे ये चाय का डिब्बा है, अभी इसमें देखिए चाय का जो पत्ती है ना, इसमें
यही कंटेनर में मैंने खरीदा था, मसाला वाला चाय का कंटेनर स्पेशल है, तो ये जब खाली हो जाएगा तो मैं इसको यूज करूंगी लाइक दिस। तो ऐसे ही हम लोग कर सकते हैं, डोंट थ्रो। तो ऐसे ही अच्छे से धो के हम लोग बाजार से खरीद के जो कंटेनर खरीदते हैं बहुत महंगा वाला, तो वो सब ना करके बहुत सारा पैसा का बचत भी कर सकते हैं। तो मैं कैसे मसालों को इसमें डालती हूँ देखिए। मसाले वाले जो डिब्बे आप देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा लुक है इनका। ये एक्चुअली कुछ जो स्मूदी मिलता है ना बाज़ार में, वही का उसी का था, तो बहुत अच्छा लगा। मैं ना ये इसको स्टोर करके रखा है। जैम्स का भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे ग्लास बॉटल्स मिलता है। कभी कभी मैं प्लास्टिक का भी कुछ कंटेनर स्टोर करके रखना पसंद करती हूँ, छोटे छोटे जो होते हैं, क्योंकि जो स्पाइस मैं मसाले के डिब्बे में डालती हूँ उसके अलावा अगर कुछ बच जाएगा तो उसको मैं ये किचन का फ्रंट वाला ड्रॉअर में इसमें डाल के ना स्टोर करके रखती हूँ, ताकि कुकिंग करते टाइम आसानी से अगर मसाला ऊपर वाला डिब्बा जो मसाला वाला डिब्बे से कम हो जाएगा तो इसमें मैं निकाल के यूज़ कर सकती हूँ, यूज़ करूँ। तो बहुत सारे ग्लास बॉटल्स हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, बाज़ार में आजकल सेट्स में मिलते हैं, मगर बहुत कॉस्टली है। और ये देखिए, एक ये जो सॉस का बॉटल है इसको मैंने ऐसे ही एक जो मनी प्लांट डाल के रखा है इसका रूटिंग के लिए, ये भी काफ़ी सुंदर लुक है इसका। जो मेरा अगला टिप है, मैं जो बोल रही हूँ वो है, जो पुराना जो कपड़ा है ना उसका भी हम बहुत अच्छे से रीयूज़ कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि कुछ कटिंग वगैरह वो सब कुछ बनाने के लिए हम यूज़ करें, हम लोग ना कुशन के अंदर भी कॉटन्स डाल के भी यूज़ कर सकते हैं, पुराने पीलोज़ के फटे हुए कुछ भी ऐसे ही कपड़े डाल के भी इसको रीयूज़ कर सकते हैं। फ्रिज से जब सब्जियां बाहर निकल के हम लोग बाहर ला के उसको कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, कुछ ही मिनटों में उसमें थोड़ा सा मतलब पानी ऊपर से दिखाई देता है, ड्रॉपलेट्स फॉर्म होने लगता है। उसके बाद अगर तुरंत हम फ्रिज में डालेंगे तो उस वो रॉट होने का बहुत सारा चांस होता है। तो उससे पहले ना आपको ये टिश्यू से या फिर कुछ अच्छे से कॉटन से ना उसको सोक करके रखना चाहिए, उसके बाद ये सब्ज़ी अच्छा रहेगा फ्रिज के अंदर। डस्टबिन में हम लोग जैसे एक प्लास्टिक यूज़ करते हैं, एक साथ दो प्लास्टिक लगा के हम रखेंगे तो ऊपर वाला प्लास्टिक यूज़ होने के बाद ना नीचे वाला प्लास्टिक जो है वो भी रह जाएगा, तो हमें ये फ्रिक्वेंटली चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे चीज़ जो है मेरा जितना सारा मैंने आज शेयर किया है, आशा करती हूँ आप सबको अच्छा लगेगा, और अगर आपको अच्छा लगे ज़रूर इसको यूज़ करना। और आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे अच्छे और सारे टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।